युग घबराते हुए मन में सोचता है, ये मैंने गुस्से गुस्से में क्या बोल दिया। मुझे ये सब बातें इन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, पापा ने मना किया था। अभी अभिमन्यु कहीं पापा से कुछ ना बोल दे वरना मैं तो गया। युग ने ये बात अभी मन में सोची ही थी कि तभी अभिमन्यु गुस्से गुस्से में अनुराग से बोल पड़ता है। देखिए ना अनुराग अंकल, ये युग कैसी झूठी झूठी बातें कर रहा है। अनुराग को लग रहा था कि बच्चों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, इसलिए अभिमन्यु उसकी शिकायत उससे कर रहा है। अनुराग बड़े प्यार से अभिमन्यु से कहता है, कैसी कैसी झूठी बातें कर रहा है अभिमन्यु बेटा हमारा युग। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, ये युग कह रहा था अंकल कि यक्षिणी डायन सच में होती है और वो मर्दों का शिकार करती है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, अनुराग युग की तरफ देखने लग जाता है और युग खुद पर शर्मिंदा होते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अनुराग से कहता है, इतना ही नहीं अंकल, ये युग तो ये भी कह रहा था कि आप यक्षिणी से मिले हैं, आपने उसे देखा है, वही आपको कहानियां सुनाती है। अभिमन्यु की ये बात कहते ही अनुराग और भी ज्यादा गुस्से से युग को घूरने लग जाता है। युग अपनी नजरें अनुराग से नहीं मिला पा रहा था, उसने अपनी नजरें नीचे करके ही रखी हुई थी। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, अंकल आप ही बताइए, मैं तो आपकी ही बातों पर यकीन करूंगा, बोल दीजिए ये सब बातें झूठ है, युग हम सबसे झूठ बोल रहा है। अनुराग चुप रहता है, उसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने बेटे को अपने दोस्तों के सामने झूठा साबित होते हुए भी नहीं देख सकता था, इससे युग तो अपने दोस्तों की नजरों में गिरता, साथ में युग अनुराग से भी नाराज हो जाता। अनुराग युग की नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आखिर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु फिर अपनी बात पर जोर देते हुए अनुराग से कहता है, ये सब बातें झूठ है ना अंकल, यक्षिणी नहीं होती है ना। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु बेटा, युग सच बोल रहा है, यक्षिणी सच में होती है। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, सब बच्चे अनुराग की तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। युग भी अपनी नजरें ऊपर उठा लेता है और अनुराग की तरफ विश्वास भरी नजरों के साथ देखने लग जाता है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, युग ने जो भी बातें तुम सबको बताई हैं वो सारी सच है। मैंने यक्षिणी को देखा है, मैं उससे मिला हूँ, उससे बातें करी हैं, वही मुझे अपनी कहानियां सुनाया करती थी, तभी तो मुझे उसके बारे में इतना सब पता है और मैं उस पर एक किताब लिख रहा हूँ। सब बच्चे एकटक नजर से अनुराग को ही देखे जा रहे थे। अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर लगभग सभी को यक्षिणी पर विश्वास हो गया था सिवाय अभिमन्यु के। अभिमन्यु नाम में अपना सिर हिलाते हुए ही कहता है, नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, ये सब झूठ है। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि युग को बुरा ना लगे, आखिर वो आपका प्यारा बेटा जो है, आप तो उसी का साइड लेंगे ना। अनुराग अभिमन्यु को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये सब बातें मैं कोई युग की बात रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सच कह रहा हूँ, यक्षिणी सच में होती है और मैं उससे मिला हूँ। अभिमन्यु अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अगर आप यक्षिणी से मिले हैं तो फिर मुझे भी मिलाइए, मुझे भी उससे मिलना है। बिंदु अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, ये तो क्या बोल रहा है अभिमन्यु, तू पागल तो नहीं हो गया है जो यक्षिणी से मिलने की बात कर रहा है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, बिंदु मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मेरी माँ कहती है हमें उन्हीं बातों पर यकीन करना चाहिए जिसे हमने अपनी आंखों से देखा हो, न कि सुनी सुनाई बातों पर। अगर अनुराग अंकल ने यक्षिणी को देखा है तो वो मुझे उससे मिलवा ही सकते हैं ना। अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि वो चाहकर भी अभिमन्यु को यक्षिणी से नहीं मिलवा सकता था, आखिर उसे यक्षिणी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जो जा चुकी थी। अनुराग एक मायूसी के साथ जवाब देता है, अभिमन्यु बेटा मैं तुम्हें यक्षिणी से नहीं मिलवा सकता हूँ। अभिमन्यु पलट कर पूछता है, क्यों नहीं मिलवा सकते अंकल आप मुझे यक्षिणी से। अनुराग तुरंत कोई सा बहाना सोचते हुए कहता है, तुम अभी छोटे हो ना अभिमन्यु बेटा, और यक्षिणी छोटे बच्चों के सामने नहीं आती है। अभिमन्यु झट से पलट कर कहता है, नहीं अनुराग अंकल, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी माँ कहती है मुझे यक्षिणी से मिलना है, उसे देखना है अंकल, तभी मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि आप यक्षिणी से मिले हैं। अनुराग अभिमन्यु की बात को टालते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी छोटे ही हो अभिमन्यु बेटा, अपनी हाइट मुझसे नाप कर देख लो, जब तुम मेरी बराबरी के हो जाओगे तो तुम खुद किसी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर जाकर देख लेना, यक्षिणी तुम्हें वहीं पर मिलेगी किसी मर्द का शिकार करते हुए। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है,
और रही विश्वास करने वाली बात, तो अभिमन्यु बेटा देखा तो आपकी मम्मी ने भगवान को भी नहीं होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भगवान भी नहीं होते। जरूरी नहीं जिन चीजों को हमने देखा ना हो उनका कोई वजूद ना हो। वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं उनके वजूद के लिए कुछ ना कुछ संकेत होते हैं। तुम खुद कल सुबह घाट पर जाकर देख लेना। आज रात अमावस्या है ना, यक्षिणी फिर किसी मर्द का शिकार करेगी और कल सुबह तुम्हें उसी आदमी के कपड़े खून से सने हुए घाट पर मिलेंगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, वो यक्षिणी सच में आज रात घाट पर किसी का शिकार करेगी अनुराग अंकल? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ अनुराग बेटा जरूर करेगी। अनुराग की बात सुनकर अभिमन्यु मन में ही कुछ सोचते रहता है पर कहता कुछ नहीं है। अभिमन्यु को देखकर अनुराग समझ गया था कि उसके मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना अभिमन्यु बेटा, अगर तुम बड़े भी हो जाओ तब भी घाट पर कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात मत जाना, क्योंकि वो यक्षिणी जब डायन बनती है तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं होता है। वो नहीं देखती है कि उसके सामने कौन है, उसको सब शिकार ही नजर आते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, आखिर तुम युग के सबसे अच्छे दोस्त हो और युग कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त को कुछ हो। अनुराग की बातें सुनकर अभिमन्यु को छोड़कर सभी बच्चे और भी ज्यादा डर गए थे। कायर, कछुआ और बिंदु की आंखों के सामने तो यक्षिणी का वो डरावना चेहरा बनने लग जाता है, जैसा युग ने अपनी कहानी में बताया था। उनके मन में यक्षिणी के लिए भयंकर डर बस चुका था। वो डर उन बच्चों की आंखों में साफ देखा जा सकता था, पर अभिमन्यु की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो, वो कुछ ऐसा करने की सोच रहा हो जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। अनुराग युग के हाथ से उसका बस्ता लेते हुए कहता है, चलो युग बेटा, आपकी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। आपकी मम्मा ने आपके पसंदीदा पुखलिन बनाए हैं आपके लिए, आपको वो बहुत पसंद है ना? युग अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा था, उसे एहसास था कि उसने अनुराग का विश्वास तोड़ा था। युग मायूसी के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ पापा चलिए। अनुराग जाने से पहले अभिमन्यु के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, अभिमन्यु बेटा बड़ों जैसी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, तुम छोटे हो छोटे की तरह ही रहो और मेरी बात हमेशा याद रखना, बड़े होकर भी कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर मत जाना वरना वो यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। वो युग का हाथ थामता है और उसे लेकर वहां से जाने लग जाता है। अनुराग के जाने के बाद भी अनुराग की बातें अभिमन्यु के मन में गूंजते रहती हैं। अनुराग और युग को वहां से जाते हुए देख अभिमन्यु मन ही मन सोचता है, मैं बड़ों जैसी बातें ही नहीं करता हूं अनुराग अंकल, बल्कि मैं सच में बड़ा हो चुका हूं और ये बात मैं आज रात खुद घाट पर जाकर साबित करके रहूंगा। मैं तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं करता जब तक उस चीज को अपनी आंखों से ना देख लूं। और संकेतों का क्या है, वो तो बनाए भी जा सकते हैं झूठ को सच साबित करने के लिए। अभिमन्यु गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, आपने मुझे कल सुबह घाट पर जाने के लिए कहा था ना, पर मैं सुबह नहीं आज रात ही घाट पर जाऊंगा ये देखने कि यक्षिणी सच में शिकार करती है या नहीं, और यदि करती है तो कैसे। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो यक्षिणी से डरूं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। युग और अनुराग स्कूल से ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जा रहे थे। अनुराग तो कुछ न कुछ कहते जा रहा था पर युग खामोश था। वो एक मायूसी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था और युग के चेहरे पर की ये मायूसी अनुराग ने कुछ देर में ही पढ़ ली थी। कैसे न पढ़ता, आखिर वो युग का बाप जो था। एक पिता अपने बेटे के चेहरे की खामोशी को उसके बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। अनुराग युग से कहता है, क्या हुआ युग बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, वो तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता था। युग अपना सिर नीचे झुकाकर ही कहता है, सॉरी पापा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, सॉरी पर किस लिए युग बेटा? युग कहता है, वो पापा आपने यक्षिणी वाली बात किसी को भी बताने के लिए मना किया था ना, और मैंने अपने दोस्तों को बता। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, युग बेटा तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो, वो किस्सा तो खत्म हो गया है ना, और जब किस्सा खत्म हो जाता है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए। युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, पर पापा फिर भी। अगले ही पल युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, ये सब ना वो अभिमन्यु की वजह से हुआ है, मैं तो बस उसे कहानी सुना रहा था पर वो उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। अनुराग युग को प्यार से समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं युग बेटा, हो जाता है कभी कभी। और रही अभिमन्यु की बात, तो वो तो तुम्हारा दोस्त ही है और दोस्तों पर गुस्सा नहीं करते हैं, वो अभी छोटा है ना इसलिए यकीन नहीं कर रहा, पर देखना जब वो बड़ा होगा तो खुद इन सब बातों पर यकीन करने लग जाएगा। युग चलते चलते रुक जाता है।
अनुराग तुरंत उससे पूछता है, क्या हुआ युग बेटा, तुम रुक क्यों गए? युग की आंखें नम थी, आंसुओं ने उसकी आंखों में पूरी तरह पनाह ले ली थी, पर वो झलक नहीं रहे थे। युग अपने पापा के गले लगकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे यक्षिणी वाली कहानी उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था। अब मैं यक्षिणी के बारे में बात ही नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, अपने दोस्तों से भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। अनुराग युग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, रोते नहीं मेरे बच्चे, तुम तो मेरे शेर बच्चे हो ना, और शेर रोते थोड़ी है। युग रोते रहता है। अनुराग कुछ ही देर में युग को जैसे तैसे चुप करा लेता है और उसके आंसू पोंछकर उसे ग्रेवयार्ड कोठी ले जाने लग जाता है। घर पहुंचने के बाद भी अभिमन्यु अनुराग की बातों को भुला नहीं पाया था। वो बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वो कहीं खोया खोया था। वो इंतजार कर रहा था रात होने का, क्योंकि उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रात में घाट पर जाकर ही रहेगा, ये देखने कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है। अभिमन्यु भले ही बच्चा था, पर बचपन से ही वो होशियार और बहादुर था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसकी परवरिश ही उसकी माँ ने कुछ इस तरह करी थी। जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहा था वो आ गई थी। रात हो चुकी थी और उसी के साथ अमावस्या शुरू हो चुकी थी। जब अभिमन्यु के घर में सभी लोग सो जाते हैं तो वो बिना कोई आहट किए धीरे से अपने घर से बाहर निकलता है और किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाता है। इस वक्त अभिमन्यु रोंकामुचा घाट पर पहुंच चुका था और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर रखी हुई थी। उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी में कुछ हो। अभिमन्यु खुद से बात करते हुए अपने कदम घाट पर आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ जो डरूंगा। मैं नहीं डरता उस यक्षिणी से, डरूंगा तो तब ना जब वो होगी। मुझे पता है अनुराग अंकल मेरे साथ मजाक कर रहे थे युग की बात रखने के लिए, और वो युग वो तो है ही झूठा, एक नंबर का कहानी बात। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती है, यक्षिणी बस एक कहानी है और कुछ नहीं, और आज मैं ये बात साबित करके रहूंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।